तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो इस चीज की अनबॉक्सिंग के बारे में होने वाला है। तो गाइस बहुत ही बड़ा पार्सल जापान से आया है। इसमें कंटेंट्स इतने नहीं है पर इसमें एक ऐसी चीज है, एक्चुअली दो ऐसी चीज है जो कि बहुत फायदे की रहेगी आगे वीडियोज में। तो गाइस चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। और भाई कस्टम्स ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है फाड़ने वाड़ने का, तो कोई बात नहीं, वो तो चलते ही रहता है। मुद्दा यह है कि पार्सल सही सलामत शांति से भेज दिया गया हमारे पास, यही बड़ी बात है। उसके अलावा और क्या ही मतलब एक्सपेक्ट करें, इंडिया के कस्टम्स है ही ऐसे। मतलब कोई बात नहीं, जब तक हमारे पास अपना हमारा पार्सल आ रहा है तब तक सब कुछ सही है। जिस दिन वह दिक्कत चालू हो जाएगी तो उस दिन यार फिर जापान को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे ये साइड खुल चुका है और अभी ये साइड खोलना बाकी है। भाई कष्ट बहुत है यार। सब बोलते हैं कि क्या नाइफ ले लो, बटर नाइफ। बटर नाइफ मतलब वो बटर, अमूल बटर लगाने वाली नाइफ नहीं, एक स्टाइल वाली नाइफ होती है उसको बटर नाइफ बोलते। जो भी सोचते रहेंगे अमूल बटर वाली नाइफ तो वो नहीं, बटर नाइफ। ओ सॉरी मैं ही गवा रहूं, वो बटरफ्लाई नाइफ होता है, बटर नाइफ नहीं। हाँ माय बैड, कोई बात नहीं। वो क्या है ना, ऑन कैमरा जब हम होते हैं ना तब हमारा दिमाग काम करना बंद ही कर देता है ओवरऑल। तो गाइस यहाँ पे भाई स्ट्रगल आपको नहीं देखना तो आप स्किप कर दो। अगर आप सही में यार चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर स्ट्रगल देखिए, क्योंकि यही तो है यार, ये जो स्ट्रगल होता है वही तो अनबॉक्सिंग को खास बनाता है। वरना तो यार अंदर की चीज़ें तो दिख ही जाती है आखिर में। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे रैपिंग के अंदर हमारा फर्स्ट डिफरेंट कलर स्टेडियम है गाइज, जो कि येलो कलर स्टेडियम है गाइज। मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था और काफ़ी मतलब इफेक्टिव कॉस्ट में मिला है मुझे। तो गाइज येलो स्टेडियम आ गया है। मैं स्टैंडर्ड बैटल्स इसमें करूँगा क्योंकि इसमें मुझे ऐसे लगता है कि बेब्लेड्स और हाइलाइटेड लगेंगे। वैसे ब्लैक और रेड भी मुझे पसंद है बट हाँ वो नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये क्या है, ये क्या है मुझे नहीं मालूम। एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा, दो ढाई महीने के बाद जब बेब्लेड्स आते हैं तो यार याद ही नहीं रहता कि अंदर क्या है। तो गाइज यहाँ पे ओ ये हमारा सी ड्रैगन और ये ड्रॉन्जर है, ड्रॉन्जर प्रोटोग्रे वर्जन, और ये सी ड्रैगन है, सी ड्रैगन हमें मिल गया। और इसमें गाइज ये है हमारा ये बेचने का है और ये भी बेचने का, ये भी एक रैंडम बूस्टर कॉम्बो ही है। तो गाइज हमें फाइनली ड्रॉन्जर मिल गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और भी थोड़ी चीज़ें हैं इसमें, ये है कर्बेक्स का रैंडम बूस्टर, जो नहीं नहीं ये कर्बेक्स का रैंडम बूस्टर नहीं है, ये कर्बेक्स के बूस्टर्स है जिसमें कर्बेक्स ही है जो मुझे देने हैं लोगों को। और ये है गाइस गैटलिंग ड्रैगन के दो बॉक्सेस। तो ओवरऑल एक सेकेंड यार, गैटलिंग ड्रैगन आपको खोल के दिखा देता हूँ, वैसे उसका जो डिस्प्ले पिक है वो। तो गाइस गैटलिंग ड्रैगन आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास कर्बेक्स भी आ गया है। ये कर्बेक्स है कि ट्रिगर मुझे याद नहीं, बट कुछ तो एक है, या तो कर्बेक्स होगा नहीं तो ट्रिगर होगा, तो मुझे अभी याद नहीं, बट हाँ गाइस दो पैक्स है। तो फाइनली ये चीज़ें आ गई है। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट स्टफ, इसको हम, और कुछ तो नहीं बच गया नहीं गाइस, तो इसको हम उठा के पटक सकते हैं साइड में, उसमें कैमरा हिल गया। तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से चाहिए थी और वो मुझे फाइनली मिल गई है, वो है गाइस ये स्टेडियम। यार इस पे सेलो टेप किसने चिपका दिया, अरे रे निकल जा यार कैमरा में, कल आऊँगा क्या, सेलो टेप निकलेगा नहीं तो। हाँ तो गाइस सेलो टेप निकल गया है और गाइस ये स्टेडियम मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, तो हम नीचे आ सकते हैं।
काफी वाइड स्टेडियम है, इसके लिए मुझे चाहिए था। और ओवरऑल मजा आएगा इस स्टेडियम में, इस बैटल के लिए। मतलब गारंटी दे दो, गारंटी देता हूँ मैं ये चीज़ की। हम कैमरा हाइट को और डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि तो हम एग्जैक्ट अपने पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। एक, दो, तीन। तो गाइज अभी आप देख सकते हो ओवरऑल कितना मस्त बड़ा स्टेडियम है। तो गाइज आज के वीडियो को बस खाली बॉक्स अनबॉक्सिंग के लिए नहीं रखते हैं। एक काम करते हैं यार गाइज, ड्रॉन्जर को खोल देते हैं। तो गाइज हमें फाइनली ड्रॉन्जर MS मिल गया है। ऑब्वियसली ओरिजिनल कलर में नहीं है, बट स्टिकर्स मेरे पास ओरिजिनल है, तो मैं वो लगा दूंगा इस पे। और फिर भाई धमाके होंगे गाइज, धमाके। तो गाइज ये है ड्रॉन्जर MS प्रोटोग्रे, साला गिर गया, प्रोटो ग्रे वर्जन गाइज। एकदम काफ़ी अच्छे कंडीशन में, मिंट तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या है इन प्रोडक्ट्स को कौन कैसे यूज़ करके हमें बेचता है इसका कोई आइडिया नहीं रहता। गाइज यहाँ पे है वेट डिस्क, और हमारा कोर, और यहाँ पे ये RC कोर या रनिंग कोर। तो गाइज इसको असेंबल फट से कर लेते हैं, और आपको एक टेस्ट पिन में दिखा देता हूँ, ताकि आपका मतलब मनोरंजन बना रहे गाइज। यार अभी भी थोड़ा सा बीमार हूँ मैं, इसके लिए ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा, बट गाइज मस्त है यार। और हाँ गाइज, ड्रॉन्जर का जो फेमस ये है मैकेनिज्म, वो इसमें भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट, और यहाँ पे आप वापस डायल करके आप देख सकते हो तो शार्प। तो गाइज 3, 2, 1 हो जाए शुरू। तो गाइज हमें फाइनली ड्रॉन्जर MS मिल गया है सक्सेसफुली। एक यार सब लोग बोलेंगे यार ऐसे कैसे वीडियो खत्म कर दिया। तो गाइस ड्रॉन्जर वर्सेस ड्रसील कर लेते हैं। तो गाइस HMS के लिए स्टेडियम बहुत मस्त है, मतलब एक्चुअली HMS क्या, बाकी बेबलेट्स के लिए भी स्टेडियम बहुत मस्त है। वो देखा गाइस केओ नहीं होगा इतना, और स्टेडियम काफी मतलब ये देखो, मैं इसको लॉक कर भी सकता हूँ, और फिर भी मतलब 0 KO का चांस है। एक ही यहाँ पे एक और एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, पर आप जैसे देख सकते हो ड्रॉन्जर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ड्रसील एज यूजुअल हार गया है, और यहाँ पे गाइस ड्रॉन्जर जीत गया है। आपको मैं MFB के बैटल्स भी दिखाता हूँ, इस स्टेडियम में काफी इफेक्टिव रहेंगे। यहाँ पे ये और ये हो गया, मतलब स्टैमिना और डिफेंस ओरिएंटेड बैटल्स काफी अच्छे रहेंगे। अटैक टाइप का तो यार हर स्टेडियम में नखरा है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। ट्राई करके देखते हैं, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। गाइज मस्त है ना, मतलब अगर आपको पसंद पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि फिर मैं ये स्टेडियम यूज कर सकूँ। काफ़ी वाइड स्प्रेड स्टेडियम है ओवरऑल यार, 3 ब्रेडर्स के लिए है ये स्टेडियम, तो ये बच्चों की बात है नहीं। यहाँ पे गाइज ऑब्वियसली ये बैटल कैसे जाएगा हमें मालूम है। हम एक अटैक टाइप को यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फैंटम ओरियन को लॉन्च किया सेंटर में, गैलेक्सी पेगासस को थोड़ा सारा पावर के साथ लॉन्च करके देखते हैं। ओके अटैक टाइप्स के लिए यार कोई भी स्टेडियम अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार ट्राई वापस, मतलब बुरा नहीं है, कर रहा है अटैक, ऐसे नहीं है कि नहीं करेगा, करेगा अटैक, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब अगर मैंने कोई हाँ स्क्रू कैप्रिकॉन को गाइस ट्राई करते हैं, स्क्रू कैप्रिकॉन हमारे पास है। इसमें देखते हैं ये अटैक अगर कर पाया तो गाइस फिर, हाँ गाइस अटैक तो हो रहा है, वाह। हाँ अगर मैं KO के पॉकेट्स ओपन कर दूँ तो ऑब्वियसली KO होगा, बाकी आप जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेडियम KO के लिए है ही नहीं, तो अटैक टाइप्स का इतना फ़ायदा है नहीं, पर गाइस ऐसा है मतलब ठीक है, अच्छा चलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।